मल्टीमीडिया, हाँ मल्टीमीडिया मस्ट बी कंटेन टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एड्स और टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एड्स एनिमेशन एंकरिंग ग्राफिक्स। अब क्रिकेट मैच में ग्राफ आ रहा है कि नहीं, बॉल का आ रहा है ना, क्या मूवी में ग्राफ आएगा? नहीं है, वहां ग्राफ का कोई काम नहीं। और ग्राफ एक कैलकुलेशन की चीज है। आपको लगता है जब तक चार हफ्तों का डाटा हम नहीं डालेंगे तो ग्राफ बन जाएगा? अभी आपका एक भी डाटा इस बोर्ड पर नहीं है, मैं क्या ग्राफ बना दूं? जीरो बनाओ, एट बनाओ, नाइन बनाओ। जैसे ग्राफ कैसे बनेगा, आप जब पहला मैच खेले तो 25 रन बना के आउट हो गए, दूसरे में रन में सीधे आउट हो गए, तीसरे में 90 रन बनाया, चौथे में 49। अब डेटा बनेगा, अब ग्राफ बनेगा, 25 में 25 जाएगा, जीरो में जीरो आएगा, फिर 49 और उसके बारे में अगले वाला में 90। लाइन ग्राफ बना कि नहीं बना? डाटा ही नहीं तो ग्राफ क्या बनेगा? राइट और रॉन्ग, कोई दिक्कत? लिख लिया? कहां तक गए? ग्राफिक्स। गेट टुगेदर ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, गेट टुगेदर ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म इज रेफर एज मल्टीमीडिया। गेट टुगेदर ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म इज रेफर एज मल्टीमीडिया। आप लोग ये चांस रखेंगे कि आपके क्वेश्चंस में व्हाट इज मीडिया या व्हाट इज मल्टीमीडिया में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत है? इज रेफर बाय मल्टीमीडिया, ठीक है? तो एंटरटेनमेंट समझ में आ गया? आप याद रखिएगा, माना जा सकता है, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, मूवीज एक हद तक या इंटरनेट पर प्ले होने वाली कोई भी वीडियो एक हद तक मल्टीमीडिया में काउंट होगी, एक हद तक, लेकिन 100% वो मल्टीमीडिया नहीं होगी, कुछ ना कुछ छूटेगा। आप देखेंगे मैच में अगर कोई आउट हो गया डक पर, बोलते हैं ना डक, द डक, इतना बोलना काफी है, जीरो, उसी बीच में एक डक चलता हुआ दिखाई देगा। क्या मूवी में ऐसा बीच में एनिमेशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसके सीन से ऐसा कोई टाइप अप है ही नहीं, तो वो एक थीम पर चल रहा है, एक थीम पर चल रहा है, उस थीम से भटक नहीं सकता। आप देखेंगे कि उसी बीच में लाफिंग होने लगी।